गाजीपुर में एक 22 साल के युवक की लाश फंदे से लटकते पाई गई। युवक का नाम अभिजीत चौहान है और वो बनारस में रहकर तैयारी करता था। लॉकडाउन से पहले वो अपने गांव पचरासी लौटा था। युवक की लाश एक प्राथमिक विद्यालय में लटकी पाई गई। बताया जा रहा है कि युवक के पैर जमीन से सटा था, ऊंचाई भी महज 3 फीट बताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या युवक को मार कर फंदे से लटका दिया गया। ऐसा ही आरोप युवक के परिजन भी लगा रहे हैं। आइए सीओ राजीव द्विवेदी से इस पूरे मामले को जानते हैं। ये रसूलपुर चपरासी पचरासी गांव का मामला है और एक व्यक्ति अभी सुबह सूचना मिली थी कि प्राइमरी स्कूल में गमछे से लटका हुआ उसकी बॉडी मिली है। सूचना पे हमारी फोर्स गई है और वहाँ पे फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था। फोरेंसिक टीम द्वारा प्रॉपर उसकी पूरी जांच की गई है, सारे सबूत वहाँ साक्ष इकट्ठा किए गए और घर वालों की सूचना पे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद पोस्टमार्टम जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कह नहीं सकते क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बिना पोस्टमार्टम के बिना फोरेंसिक रिपोर्ट के कुछ भी कहना अभी उचित नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनकी जो भी तहरीर मिली उस पर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वारदात की जानकारी मिलने पर नंदगंज के थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और एसआई बलवंता टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। मामला संदिग्ध देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाकर जांच कराई गई। पुलिस टीम मृतक के परिवार और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए जानते हैं कि युवक के भाई का क्या कहना है। और उसके बाद आया नहीं वापस, उसके तलाश में हम गए थे नहर पे, थोड़ा उसका तलाश किए तो वहाँ पे पता नहीं चला। तो मैं सोचा कि आके 10 बजे 11 बजे आएगा, वहाँ कहीं गया होगा टहलने फहलने के लिए। तो तब तक उसका पता नहीं चला। तो सुबह हमें पता चला कि प्राथमिक विद्यालय में उसको मार के फांसी लगा दी गई है। उसके मारने के बाद फांसी लगाई गई है। यह पूरा मामला चुनावी रंजिश है। कुछ लोग आपस में झगड़ा किए थे, उसमें हम लोगों का भी नाम लिए थे कि धमकाते थे मारने पीटने के लिए, धमका रहे थे कि मारेंगे पीटेंगे। तो हमने तो देखा नहीं उसको कि कौन मारा है। अब नामजद अपना FIR करवाएंगे थाने से, उसके बाद पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से थाना पे कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, उसका पूरा एकदम बायोडाटा निकल जाए। मतलब जो कैसे क्या हुआ है, उसको कैसे मारा गया है, उसमें कितने लोग मारने में थे, किसका हाथ है। यही मैं चाहता हूँ कि हम सरकार के द्वारा से हमको न्याय मिलना चाहिए। पढ़ाई इंटर पास हो गया था उसको, बनारस में एग्जाम बनारस में तैयारी कर रहा था। वो लॉकडाउन लगने की वजह से वो घर पे चला आया था, अन्यथा नहीं आता वो। अभी आपने सुना कि मृतक अभिजीत रविवार की रात 8 बजे बाहर टहलने निकला था। अब पुलिस हत्या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर हत्या के सही कारणों का पता चलेगा। युवक के पिता सुदर्शन ने अपने पुत्र की हत्या होने की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।